नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि हम हमारी ब्लॉगर पोस्ट के अंदर जो पैराग्राफ लिखते हैं, जो भी कंटेंट लिखते हैं, उसके चारों तरफ बॉर्डर किस तरह से लगा सकते हैं। बॉर्डर मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार की बॉर्डर की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने जो है अपनी एक ब्लॉगर पोस्ट का जो है एक रिव्यू पेज ओपन करके रखा है, जिसमें आप देख सकते हो कि आपकी जो पोस्ट है वो इस तरह से दिखाई देगी। यानी कि ये हमारा जो पैराग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक है और इसके चारों तरफ आपको एक बॉर्डर दिखाई देगी और इस बॉर्डर का कलर आप जैसे चाहें वैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो बॉर्डर होती है उसे हम किस तरह से डाल सकते हैं अपनी ब्लॉगर पोस्ट के अंदर, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो ब्लॉगर का जो डैशबोर्ड होता है जहाँ पे आप अपनी पोस्ट लिखते हो, उसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है कंपोज व्यू में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपोज व्यू में आपको दिखाई देगा कि ये मेरा जो मैंने छोटा सा एक पैराग्राफ लिखा था, ये हमारा क्या है पैराग्राफ, मतलब हम जो भी कुछ लिखते हैं वो हमारे पैराग्राफ पी टैग के अंदर लिखा जाता है। और इसके चारों तरफ जो ये बॉर्डर है, इस तरह की बॉर्डर अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं आपके ब्लॉगर के अंदर उनमें ये फैसिलिटी नहीं होती कि आप इस तरह का बॉर्डर दे सके। बट अगर आप खुद से थोड़ी बहुत कोडिंग जानते हैं तो इस तरह के काम आप कर सकते हो और अपनी ब्लॉगर पोस्ट को अच्छे से दिखा सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो ये जो बॉर्डर है ये यहाँ पर कंपोज व्यू में नहीं होगी, इसके लिए हमें जो यहाँ पर HTML व्यू में जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोज व्यू जैसा कि आपको तो दिखता है, उसके बाद HTML व्यू। तो जैसे ही हम HTML व्यू के अंदर जाएंगे यहाँ पर आप देखोगे ये जो हमारी पोस्ट हमारी लिखी हुई थी वो यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो मैंने कॉन्टेंट लिखा हुआ था, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, तो जो मैंने मेरा यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ था, पैराग्राफ मैंने आपको बताया था, ये यहाँ से यहाँ तक है जो कि पी टैग के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉर्डर है वो इस कोड का इस्तेमाल करके यहाँ पर लाई गई है। तो मैं इस कोड को यहाँ से हटा देता हूँ और अब मैं आपको जो है दिखा देता हूँ कि कंपोज व्यू में हमारी पोस्ट किस तरह से दिखाई देगी। तो मैं इसको फिर से जूम आउट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो ये पैराग्राफ था इसके चारों तरफ से बॉर्डर हट गई है। तो फिर से बॉर्डर कैसे ले करके आएंगे वो अब हम सीखेंगे। तो HTML व्यू के अंदर जाएंगे तो आपको ये देख लेना है कि आपका जो पैराग्राफ है वो कहाँ से कहाँ तक है। जैसे कि मेरा पैराग्राफ जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक है और पी टैग के अंदर है। तो जो आपका पी टैग होता है, यानी कि पैराग्राफ टैग होता है जिसके अंदर हम कंटेंट लिखते हैं, उसके अंदर आपको इस तरह से कर्सर को रखना है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, पी टैग के अंदर आपको अपना कर्सर रखना है और यहाँ पर हमें जो है इस पर CSS अप्लाई करनी है। तो CSS अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। स्टाइल, उसके बाद इक्वल यानी कि बराबर का निशान, उसके बाद डबल कोट हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, शायद आपको ना दिखाई दे मोबाइल में। ठीक है, उसके बाद स्टाइल एट्रीब्यूट इस तरह से, और यहाँ पर आने के बाद मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको लिखना है इसके अंदर, सबसे पहले हमें करना क्या है, इसके अंदर बॉर्डर अप्लाई करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे BORDER बॉर्डर, उसके बाद इस तरह से कॉलन। ठीक है, बॉर्डर का हमें साइज़ रखना है 2px यानी कि 2 पिक्सल, और साथ में लिखेंगे हम सॉलिड, और उसके बाद हम लिखेंगे इसका कलर। वैसे जो आपने कलर देखा था वो था डोजर ब्लू। मैं फिर से लिख के दिखा देता हूँ DODGERBLUE, ये हमारा कलर था डोजर ब्लू। और ये पूरा कंटेंट जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे तो सिर्फ हमारी जो है ये आ जाएगी। हम डबल कोट को कर देते हैं बंद और उसके बाद प्रीव्यू में जाके देखते हैं कि हमारी पोस्ट के अंदर जो है यहाँ पर बॉर्डर आई है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो पोस्ट है उसके चारों तरफ बॉर्डर आ चुकी है, बट ये बॉर्डर वैसी नहीं है जैसी आपने पहले देखी थी। तो उस तरह की कैसे हम बनाएंगे, तो यहाँ पर आप देखो इसमें कुछ कमियाँ हैं, इसके जो कॉर्नर हैं उनमें रेडियस नहीं है और इनके जो ये जो बॉर्डर है ये हमारे टेक्स्ट के बिल्कुल पास में है, तो इनको भी दूर करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से हमारे HTML एडिटर के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हम अब हम क्या करेंगे, अब हम बॉर्डर रेडियस के लिए लिखेंगे BORDER बॉर्डर माइनस RADIIUS बॉर्डर रेडियस। ठीक है, उसके बाद कॉलन इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, बॉर्डर रेडियस हमें कितने लिखनी है, बॉर्डर रेडियस हम कर देते हैं 5px, 5 पिक्सल हम कर देते हैं। उसके बाद फिर से सेमी कॉलन इस स्टेटमेंट को अलग करने, उसके बाद आप देखोगे मैं इसको फिर से जो है यहाँ पे कंपोज व्यू में आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो जो बॉर्डर थी हमारी उनमें रेडियस भी आ चुका है। अब मैं फिर से HTML व्यू में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अब हमारे जो टेक्स्ट हैं यानी कि हमारे जो टेक्स्ट हैं यहाँ पर आप देखोगे ये बिल्कुल पास में लग रहे हैं इस बॉर्डर के, तो इन हमारी जो बॉर्डर है उसको टेक्स्ट से थोड़ा सा दूर करना है। तो उसके लिए हम पैडिंग का यूज़ करते हैं, यानी कि टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच की जो दूरी है उसको बढ़ाने के लिए हम पैडिंग एलिमेंट का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे
यहाँ पर CSS के अंदर ही लिखेंगे, इसी लाइन के अंदर, इस डबल कोट के अंदर, ठीक है। PADDING पैडिंग, पैडिंग हमें कितनी देनी है, पैडिंग में यहाँ पे 5 पिक्सल दे देता हूँ, उसके बाद फिर से सेमी कोलन, और फिर से जाएंगे हम कंपोज व्यू के अंदर। तो अब आप देखोगे कि हमारे जो टेक्स्ट हैं वो बॉर्डर से थोड़ा सा दूर हो गए हैं, तो जितना ज़्यादा आप पैडिंग देंगे उतना इनके बीच में जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी और आपकी बॉर्डर अच्छे से दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पैराग्राफ के चारों ओर जो है बॉर्डर आ चुकी है। अब मैं करता हूँ इसको अपडेट, और जैसे ये सेव हो जाएगा उसके बाद आप इसको जो है फिर से प्रीव्यू कर लीजिए, या फिर अगर आपने पहले से प्रीव्यू करके रखा है तो उसको रिफ्रेश कर लीजिए। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो पोस्ट है उसके चारों तरफ बॉर्डर किस तरह से आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो बॉर्डर है यहाँ पर आ चुकी है। तो आप अपनी मर्जी के अनुसार इस बॉर्डर को एडजस्ट कर सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो, इसकी पैडिंग बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहें तो रेडियस रख सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। सो इस सिंपल सा कोड का इस्तेमाल करके आप जो है ये सब कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूँ, और आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपनी ब्लॉगर पोस्ट के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पर स्टाइल से लेकर के यहाँ पर डबल कोट तक है, ठीक है। तो ये CSS का कोड है, जहाँ पर भी आपका पैराग्राफ लिखा है उसके अंदर पी टैग के अंदर आपको लिखना है, जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ पी टैग, और पी टैग को बंद नहीं करना है, बंद करने से पहले उसके साथ में इस तरह से ये कोड लिखना है, और बाद में यहाँ पर पी टैग बंद हो जाएगा आपकी एंगल ब्रैकेट से। तो जिस भी पैराग्राफ पर आप ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं सिंपल इस कोड को वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और बॉर्डर PX यहाँ पे चेंज करेगा तो बॉर्डर जो रेडियस होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और बॉर्डर 2 PX से यानी कि आप उसकी मोटाई बढ़ा सकते हैं, 3 PX ये और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। ये जो डोजर ब्लू है ये कलर है, आप चाहें तो यहाँ पे दूसरा कलर भी दे सकते हैं, जैसे मैंने टोमेटो कलर यहाँ पे दे दिया। पैडिंग आप देख सकते हैं 5 PX लिखी हुई है। उसके बाद बॉर्डर है, मैं इसकी थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ, 3 PX में यहाँ पे कर देता हूँ। और अब मैं जाता हूँ कंपोज व्यू के अंदर। अब आप देखोगे कि हमारी जो बॉर्डर है, ठीक है, उसका कलर भी चेंज हो चुका है, और साथ में उसकी जो जो पैडिंग है वो ठीक है, लेकिन उसकी जो रेडियस थी उसमें भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। सो आप अपनी मर्जी के अनुसार जैसे चाहें अपनी बॉर्डर को जो है एडजस्ट कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपका कोई और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।